दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि एयर कंप्रेसर की जो कि स्टार्टर कनेक्शन और प्रेशर स्विच कनेक्शन और मोटर की कनेक्शन कैसे की जाती है ताकि हमारा जब एयर कंप्रेसर में हवा फुल हो जाए तो अपने आप बंद हो जाए और जब हवा खाली हो तो अपने आप चालू हो जाए। तो यही कनेक्शन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये थ्री फेस का ड्यूल स्टार्टर है और यहाँ पर लगा हुआ है प्रेशर स्विच जो कि इसको ऑटो में ऑफ करने के लिए इसको लगाते हैं। और यहाँ पर है थ्री फेस की मोटर जो कि क्रॉम्पटन कंपनी का है। तो आप इसके कनेक्शन आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर एक MCV लगाया हुआ है और MCV से लाइन उठाकर, मतलब नीचे में MCV के इनपुट है और ऊपर में आउट लेकर हमने जो ड्यूल स्टार्टर है और ड्यूल स्टार्टर के जो एक कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर के RYB ये तीनों में हमने दे दिया है। और जैसे कि ये हमारे कॉन्टैक्टर 315 वोल्ट पर काम करते हैं तो हमने यहाँ से एक लूप बना के दोस्तों इसके A1 टर्मिनल में दे दिया है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं यहाँ पर A1 है, ये A1 टर्मिनल में हमने दे दिया है यहाँ से एक लूप उठाकर, मतलब R फेस जो कि हमने यहाँ दे दिया है। और जो ओवरलोड रिले है दोस्तों, ये ओवरलोड रिले यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है कॉन्टैक्टर में, कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और इसके नीचे में तीन वायर हमने लगा दिए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देखिए लाल कलर की है, मतलब मान के चलिए RYB, ये तीनों फेस की हमारे वायर डल गए हैं। और डल के इसके नीचे से लाकर इसको हम लोग, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम लोग मोटर में टाइट कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं जब मोटर में टाइट कर देंगे तो हो सकता है कि आपके मोटर उल्टी चक्कर घूमे, जैसे कि कंप्रेशन को आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है वो नहीं घूम रहा है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है कंप्रेसर। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब मोटर की चक्कर उल्टी हो तो उसके लिए ये तार खोलकर इसमें देंगे और इसमें का तार खोल के इसमें देंगे, तब आपके मोटर के डायरेक्शन मतलब चक्कर ठीक हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, अब आगे आपको दिखाते हैं वीडियो में। इसके बाद दोस्तों ये जो सारे टर्मिनल है ये NC है, ये NC है, ये भी NC है, ये भी NC है, जो कि ये प्रेशर स्विच। तो हमें NC पॉइंट को ही चाहिए ताकि ऑटो में हमारे कंप्रेसर को ऑफ करे। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे दो तार को यहाँ जोड़ देंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे एक यहाँ जोड़ेंगे। चलिए मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि NC है कि NO है, नहीं तो आप कहोगे कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ। तो आइए मैं आपको एक बार वीडियो में दिखा देता हूँ, जो कि मल्टीमीटर है हमारे पास, आप देख रहे हैं मैंने एक लीड को यहाँ लगाया दोस्तों, देख रहे हैं मल्टीमीटर में लाइट जल रही है और बजर भी हमारे बज रहे हैं। तो ये NC पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट में हमें दोस्तों दो तार को जोड़ देना है। तो चलिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने प्रेशर स्विच में दो तार को जोड़ दिए, जैसे कि इनपुट आउटपुट हमने दोनों ही जोड़ दिए। और ये दो तार को लेकर हमने, देखिए दोस्तों, नीचे से उठाकर हमने डाल दिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, मतलब इनपुट 97 नंबर है NO और NO आउट है 98 नंबर, और उसके बाद में है दोस्तों 95 नंबर NC है इनपुट और 96 नंबर यहाँ पर NC आउट है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक तार को, ये जो दो तार है, इस दो तार में से एक तार को 96 नंबर में जोड़ देंगे। ये NC टर्मिनल है ना जो रिले का, तो 96 नंबर में इस एक किसी एक तार को जोड़ देंगे। तो चलिए आपको जोड़ के आगे दिखाते हैं। दोस्तों हमने एक तार 96 नंबर में जोड़ दिए, अब आगे दिखाते हैं। जैसे कि ये 95 नंबर है, ये NO की इनपुट है, तो इसमें भी एक फेस हमें देने होंगे तभी ना ये कंप्रेसर चलेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉन्टैक्टर के A1 में R फेस दिया है और इसमें हम B फेस को, मतलब ब्लू फेस को रिले के इनपुट में दे देते हैं। तो यहाँ से ये ब्लू फेस से ये 95 नंबर में एक वायर को लूप कर देंगे, जैसे कि ये मेरे पास एक वायर है यहाँ से और यहाँ तक लूप कर देते हैं। तो चलिए आइए आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हो मैंने यहाँ 95 नंबर में एक फेस की वायर को लूप कर दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो हमारे वायर हैं, जो दूसरे वाले हैं, देख रहे हैं दोस्तों जो A2 टर्मिनल है कंटेक्टर के, उसके साथ ये जो एक खाली जो प्रेशर स्विच से हमारी एक वायर, दो वायर निकल के आ रही है जिसमें से एक खाली है, इसको और कॉन्टैक्टर के A2 को, दोनों को एक ही साथ जोड़ देंगे। तो आइए चलिए आपको जोड़ देते हैं। अब इसको ऐसे जोड़ेंगे तो हो सकता है कि ये तार हमारी खुल जाए। तो ये जो हमारे NO टर्मिनल है दोस्तों, ये NO टर्मिनल खाली है, तो सिर्फ यहीं पर ये दोनों तार को एक दूसरे के साथ शॉर्ट कर देंगे। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे ये वाले वायर एक बची हुई थी जो प्रेशर स्विच से आ रही है, और कॉन्टैक्टर के ए टू टर्मिनल से हमने एक दूसरे को लूप कर दिया है। या तो आप ये यहाँ जोड़े, या नहीं तो ये लाल वाली उठाकर ये कॉन्टैक्टर के ए टू में जोड़ दे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत मुश्किल होगी जोड़ने में। तो इसीलिए हमने एक वायर लूप करके और यहाँ एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। हमारी ये टर्मिनल खाली थी, इसमें कोई काम का नहीं है, तो ये तार मतलब खुल ना जाए, सरक ना जाए, इसीलिए हमने यहाँ पर टाइट कर दिया। अदर्श इसके कोई मकसद नहीं है इसमें जोड़ने का, बस इसको एक दूसरे के साथ हमने शॉर्ट कर दिया है ताकि हमारे कंप्रेसर चले। अब ये तो हो गया, आपको एक बार फाइनली चला के दिखाते हैं दोस्तों कि जो हमने कनेक्शन इसमें किए वो हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अब आइए चलाते हैं दोस्तों। ये हमने एमसीबी किया ऑन। अब जैसे कि देख रहे हैं हमारे कंप्रेसर चल रही है दोस्तों, तब देखते हैं कि ऑटो कट में बंद होती है कि नहीं। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा हमारे कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो गया, मतलब ये काम कर रहे हैं। अगर आपको प्रेशर स्विच को सेटिंग करने नहीं आता है दोस्तों, तो हमने वीडियो डाल दिया है इस पर बना के ऑलरेडी, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक इन कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे प्रेशर स्विच कैसे सेटिंग करते हैं दोस्तों। उसके बाद सारे कुछ हो जाने के बाद इसके कवर बंद कर देंगे, इसके कवर लगा देंगे और मोटर के कवर लगा देंगे। आई होप गाइस हमारे वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कर दीजिए एक लाइक, अपने इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करिए। अगर इससे जुड़ा आपको मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी के साथ एक और नए वीडियो में।